हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर सीरीज, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। सो बेसिकली कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे। दोस्तों, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। एडा लवलेस, ये याद रखना है, ये लेडीज थी जिसने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन किया था। बेसिक फोर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फोर कौन से बेसिक फंक्शन है जो कि एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है? वो डाटा को एक्सेप्ट करता है। जैसे हम इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, स्कैनर हो गया, ये डाटा कंप्यूटर में जाता है और कंप्यूटर इस डाटा को स्टोर करता है। स्टोर किए हुए डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है जो कि हमें आउटपुट के तौर पे चाहिए। और हम कंप्यूटर में से जो डाटा स्टोर हुआ होता है उसको हम निकाल कर आउटपुट यूनिट से देख भी सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्पीकर से सुन सकते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, बेसिकली कंप्यूटर की पांच जनरेशन थी, ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन कब आई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। पहली टेक्नोलॉजी 1945 से 54 तक कई, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और अर्ले मेमोरी, ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड अर्ले मेमोरी। इसके बाद सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज यूज हुई जीरो और वन की, जीरो और वन। दोस्तों, जो कंप्यूटर है ये मैन मेड लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, ये अपनी जीरो वन की भाषा में बात करता है। जीरो का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सॉरी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वन का मतलब है एब्सेंस ऑफ सिग्नल। ठीक है दोस्तों, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जीरो और वन, ये इसको कहते हैं बिट्स। बिट्स इसका एग्जांपल था एनियक। सेकेंड जनरेशन 1955 से 64 तक आई, ये इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज की गई। फोर्टन, ये फर्स्ट जन के हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई थी। फोर्टन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, ये भी सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं और फोर्टन जो लैंग्वेज थी ये फर्स्ट लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज। IBM 7090, ये इसकी एग्जांपल है। और थर्ड जनरेशन जो आई थी 1965 से 74 तक आई, इसमें MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई। टाइम शेयरिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सॉफ्टवेयर थे। PDP-8, IBM 370, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1975 से 90 तक आई, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज की जाती है, वेक्टराइजेशन, मल्टी कंप्यूटर्स, इसमें मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर था वो यूज किया जाता है। कंपाइलर यूज किया ही गया है जो कि प्रोग्राम्स वगैरह को कंपाइल करने के लिए। सन स्पार्क्स, ये इसकी एग्जांपल है। क्रे, XMP। फिर फिफ्थ जनरेशन 1991 आई, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये बड़ी टेक्नोलॉजी यूज की गई। क्रे MPCM2, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पहली ये चार टाइप का है। सुपर कंप्यूटर फर्स्ट टाइप है इसकी। प्रोसेस बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में कर देता है। स्टॉक एक्सचेंज होगी जहाँ पे हाई लेवल एल्गोरिदम्स हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, वहाँ पे ये यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे दोस्तों, इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉल्व की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर आ गए, ये थोड़ा इससे चीप होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, पर ये भी हाई लेवल कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंड हेल्ड डिवाइसेस,
ये हमारी आ जाती हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर में, और हम इन्हें को फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं। ये सभी को फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम था। उसके बाद कंप्यूटर में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी हम नंबर देखते हैं, लेटर देखते हैं, सिंबल देखते हैं, इमेज देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, ये सभी कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट्स और बिट्स में, यानी कि 0 और 1 में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 0 का मतलब हमने पहले भी देख लिया था, एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। 1 का मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है इन बिट्स का, 0 1 1 0 1 1, कुछ भी हम लिख लें, ये 4 8 को मिलाकर क्या बन जाएगा, 8 डिजिट्स को मिला के, 8 बिट्स को मिला के ये बन जाएगा 1 बाइट। ठीक है दोस्तों, ये एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर में। करेक्टर क्या है, जैसे लेटर हो गया, P7 हो गया, सिंबल हो गया, ये एक सिंगल है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट्स यूज करनी पड़ती है। और इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाइट और 8 बिट्स, 8 बिट्स को मिला के बनता है 1 बाइट। ठीक है दोस्तों, और यदि हमने इनका कॉम्बिनेशन बनाना हो, कोई वर्ड बनाना हो, तो हमें 2 या उससे अधिक बाइट्स को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये है मेमोरी के यूनिट। कंप्यूटर में 1 बाइट 0 और 1 होता है, 8 बिट्स को मिला के, ठीक है, 1 बाइट बनता है। और 1 बाइट का हाफ यानी कि 4 बिट्स, 4 बिट्स को हम क्या कह सकते हैं, निबल। ये क्या बन गया, निबल, और इसे हम ऐसे लिख दें, ये बन गया बाइट। और 1024 बाइट्स को मिलके 1 किलोबाइट बन जाता है। ऐसे ही 1024 किलोबाइट को मिलके 1 MB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, जोटोबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, देख लेना है। और बिट बाइट निबल वर्ड क्या है, बिट्स हम पढ़ चुके हैं, 0 और 1 को बिट्स कहते हैं, और 8